हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन एयरफोर्स की जो रैलीज़ हैं जो कि दिसंबर में होने वाली हैं, 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में, उसके लिए अब लगभग 15 डेज का टाइम बचा हुआ है। और इन 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी के लिए, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो, और क्या टिप्स आपको होने चाहिए आपके पास जिससे कि आप आगे बढ़ सको इसकी तैयारी में, वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा, जो शुरुआत होती है आपकी और जो लास्ट होता है, यानी कि आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, यहाँ पर जा करके आपको छोड़ूंगा मैं और वहाँ तक सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, गाइस अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो आपको बहुत ही अच्छे चांस दे रही है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सुविधाएं हैं और वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो इंडिया एयरफोर्स और नेवी के लिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट या क्विजेज आप लगा सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगी, अनलिमिटेड एसेस होगा आपके लिए, सब कुछ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, डिफेंस के लिए ऑल इंडिया से लिए गए हैं, तो बेस्ट ही होंगे। और हर एक सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जो कोर्स होगी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी आप लोग के लिए बेस्ट तरीके से। साथ ही साथ जो कोर्स होंगे उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी दिए जाएंगे, जिसमें आप लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं। अब आपको कैसे लेना है ये भी बता देता हूँ। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, उसके थ्रू डाउनलोड करने के बाद आपको चांस मिलेगा सिलेक्ट करने का कौन सा आप लोगे। और जैसे ही आप 12 मंथ वाला या फिर 6 मंथ वाला, 3 मंथ वाला, 1 मंथ वाला जो भी लेते हो, तो आपको एक कोड डालना होगा, अभिषेक कुमार 07। वो कोड डाल के आप प्रोसीड टू पे करोगे तो आपको चांस मिल जाएगा बहुत ही बड़ी छूट पाने का, और उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, डिस्क्रिप्शन में मेरी भी प्रोफाइल की लिंक है, बहुत जल्दी वहाँ पर लाइव क्लासेज मेरी भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे अच्छा भी लगेगा अगर आप ज्वाइन करोगे तो। तो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आई होप कि आपने इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, क्योंकि अगर आप इंडियन एयरफोर्स की रैली के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT ही कराया जाएगा जब आप वहां पर रिपोर्टिंग करोगे, यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्टिंग करोगे। तो अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें रनिंग होती है आपकी, उसके बाद पुशअप्स आपसे लगवाए जाते हैं, सिटअप्स लगवाए जाते हैं और स्क्वाट्स मरवाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे रनिंग के बारे में। तो जो रनिंग होती है, ये रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर की होती है, या फिर यूँ बोलें कि 1600 मीटर की, और इसे आपको कंप्लीट करना होता है 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में। ये आपकी टाइमिंग होती है और इसी में आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो देन आपके पुशअप्स लगवाए जाते हैं एक टाइम में, मतलब एक टाइम दिया जाता है उसी में आपको पुशअप्स कंप्लीट करने होते हैं, 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं, लगभग एक मिनट में आपको लगा देने होते हैं। उसके बाद नंबर आता है सीटअप्स का, सीटअप्स भी आपसे 10 ही लगवाए जाएंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में स्क्वाट्स लगवाए जाते हैं, तो स्क्वाट्स में जो है इसमें आपको 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पे 20 स्क्वाट्स आपको लगाने पड़ेंगे, 10 सिटअप्स और 10 पुशअप्स आपको लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से रिस्पेक्टिवली लगाया जाता है आपका, और ऐसे ही आपको लगाना होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप फेल होते हो पुशअप्स में, सिटअप्स में, स्क्वाट्स में, तो आपको फिर से दोबारा भी चांस दे देते हैं और लगभग ले लेते हैं इसमें, पुशअप्स में और सिटअप्स में और स्क्वाट्स में बाहर नहीं होता है कोई बंदा। रनिंग में ही मेन चीज़ है, रनिंग को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप 15 दिन रनिंग करते हो तो आप आराम से 6.5 मिनट में 1600 मीटर की जो रेस है वो कंप्लीट करने लग जाओगे। अब देखो आप कोशिश करना कि
टू टाइम्स रनिंग करो, या फिर अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी के लिए जा रहे हो, जैसे मान लो कि अगर आप रोड पे जाते हो रनिंग करने के लिए या फिर ग्राउंड में जाते हो, तो वहाँ पे कोशिश करो कि आप टू टाइम्स यानी कि सुबह में भी जाओ और शाम में भी जाओ, दो बार अगर आप जाते हो और दो बार अगर रनिंग करते हो और बाकी सब प्रोसेस करते हो, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ कि पुशअप्स में क्या होता है कि आमतौर पर मैंने देखा है बहुत जगह पर, मेरे यहाँ भी होता है कि पुशअप्स लगाना है, सिटअप्स लगाना है, स्क्वाट्स लगाना है, तो इसके लिए करते क्या है लोग कि जैसे रनिंग किया, रनिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद ये सब कुछ लगा करके एक एक बार बस और चले आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है इसके लिए सेट्स बना करके, लाइक अगर आप दो लगा सकते हो, चार लगा सकते हो, तो उस तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो ये तैयारी है बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही रैपिडली हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे आप जिम में जाते हो, तो जिम में जाते हो तो आपको सेट्स लगाने होते हैं, यानी कि मान लो अगर आप चेस्ट किसी दिन मार रहे हो तो उस दिन आपको चेस्ट के सेट्स लगाने होंगे, एक दो तीन चार जितने भी अगर आप लगा सकते हो, फाइव अगर आप लगा सकते हो तो फाइव तक आपको सेट्स लगाने होते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितना लगाते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। तो उस तरीके से अगर आप सेट्स लगा करके, मान लो कि आपने एक बार 20 पुशअप्स लगाए, ठीक है, उसके बाद आपसे नहीं हो पाया, आपने 15 लगाए, उसके बाद और कम हो गया, 10 लगाया आपने, उसके बाद आपका 5 पे आ गया, तो अगर 5 तक आप ऐसे लगाते हो ना इस तरीके से, और ऐसे लगाने पे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे आप कोशिश करना, चाहे आप पुशअप्स लगाओ, सिटअप्स लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ, इस तरीके से ही लगाओ, और सेट्स लगाने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप बहुत जल्दी इसको डेवलप कर लोगे। अगर आप थोड़ा भी नहीं कर पाते हो तो, अगर आप 2 पुशअप्स लगाते हो ना, 15 डेज बाद आप इजीली 15 टू 20 पुशअप्स लगाने लग जाओगे, है ना। ये चीज है, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब बात करते हैं हम एग्जाम के बारे में, जो रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप एक्स के बारे में। तो ग्रुप एक्स के लिए जो सिलेबस है वो है फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद इंग्लिश। ये तीन सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, ये तीन जो है हमारी सब्जेक्ट्स हैं, इसको क्लियर करना होता है और सब में आपको सेपरेटली पास होना जरूरी है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें तो इसमें जो टोटल एग्जामिनेशन होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 70 क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं और 60 मिनट्स का टाइम मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 25-25 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। ये चीजें आप क्लियर रखना अपने दिमाग में। इतना कुछ होने के बाद अब अगर आप तैयारी की बात करो तो देखो, इतना आसान नहीं है कि आप ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनको कवर कर लो मात्र 15 डेज में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग तरीके से, यानी अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहोगे तभी आप कर पाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हो और खासकर वो एनडीए वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए अगर आप लगा लेते हो, तो आप समझ लो कि आप आराम से क्लियर कर जाओगे। तो कोशिश करो वो एनडीए का जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर का वो लगा लो, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश की रही बात, तो आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो, चाहे जो भी चैनल हो तो आप उससे तैयारी कर सकते हो। तो फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए वो तरीका यूज करो। अगर आपके पास लूसेंट के लिए बुक है, लूसेंट वाली, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स उससे भी तैयार कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी पूरा खत्म करना ईजी नहीं होगा। तो अगर आप वो सेट्स लगाओगे ना जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छे साबित होंगे। अब एक और चीज, आप अगर ऑनलाइन सेट्स लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जैसे भी लगाना आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर सकते करते हो तो आपका जो है 45 के आसपास भी मार्क्स आ सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद रही बात ग्रुप वाई की, तो इसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें रागा का सेक्शन होता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, एंड इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो ये दो सेक्शन होता है और टोटल 50 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स रागा के और 20 मार्क्स इंग्लिश के। अब इंग्लिश के लिए तो मैंने बता दिया कि आप लूसेंट से पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आप एंटोनियम, सिनोनियम्स और वॉयस, नरेशन, डिग्री, ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। आपने कभी नहीं पढ़ा है इन टॉपिक्स को, फिर भी आप इसको कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप कुछ वीडियोस देख लेते हो यूट्यूब पे तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहो तो 15 प्लस मार्क्स लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप लगा सकते हो। रही बात रागा की, तो रागा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और रागा में देखो ज्यादा जो टफ चीज है वो बता देता हूं आपको। रागा में आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन जो होता है ना,
नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स वो थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग में जो आपका नॉन वर्बल सेक्शन होता है उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये दो चीजें अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आप 20 to 25 मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें, और ये बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, तो इसे आपको कवर अप करना होगा। अब इसको आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस सेट्स लगा के भी कवर अप कर सकते हो, और कोशिश करो कि नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ईबुक है अपनी, उसको भी आप देख सकते हो। और एक और चीज आपको बता दूं कि ईबुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें, और टेस्ट सीरीज से भी आए थे, कहां से, परीक्षा ऐप वाली टेस्ट सीरीज से, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ऐसे आप देख सकते हो और लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं जो फाइनल सेक्शन है हमारा, यानी हमारी जो अपनी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात आती है फेज 2 पे, यानी एयरफोर्स की जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होती है जिसे हम SRT बोलते हैं, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होती है जिसे हम GD या फिर ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसके बारे में, उसकी तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले बात करते हैं SRT के बारे में। SRT में आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ध्यान रखना कि सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है, गलत सही वो हो सकता है क्योंकि एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस इसमें सही होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हो, छोड़ देते हो, दैट मीन्स कि आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए आपके साथ। अब दूसरी चीज़ है कि इसको क्या कोई ऐसा भी होता है कि इसमें जो मार्क्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं इसमें। देखो, मार्क्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है या फिर कुछ और, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो ये अच्छी बात होगी, तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है GD हमारी, यानी ग्रुप डिस्कशन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अब इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में आपको बोलना होता है टॉपिक पे, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टॉपिक्स को, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी लगातार जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे बोलना होता है और उसमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, और बहुत ही इजी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो अगर आप थोड़ी तैयारी करते हो तो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, और इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए हमने आपकी मदद की है, और उस मदद को कैसे तैयार किया है वो इस ईबुक के माध्यम से। ये जो ईबुक है ये आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी, और ये मैंने खुद तैयार किया है। इसमें टॉपिक्स आपको लगभग 42 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे GD के लिए, और SRT के लिए 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और वैसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप ये खरीदने जाओगे तो पहले तो ये ऐसे भी मिलेगी नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और अगर आप खरीदने जाते हो तो हिंदी बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है आपको, इंग्लिश में ही आपको मिलते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मात्र 69 रुपीज की बुक है और इसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, और ऐसे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो कि आप बना सकते हो और इसके थ्रू जा सकते हो रैलीज में, ठीक है, बहुत अच्छा चांस है, और आप चाहो तो आप जा सकते हो। इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बतानी थी, समझानी थी। आई होप कि मैंने समझा दिया हो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।